वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है वो है हमारे हेयर से रिलेटेड। हमारे हेयर बहुत ज्यादा ही डैमेज हो रहे हैं, हमारे हेयर टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयर की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें, क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं आ रहा होगा कि हम अपने हेयर के लिए ऐसा क्या करें कि हमारे हेयर प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है हेयर फॉल। तो हमारे हेयर फॉल होते क्यों है, सबसे पहले ये जानना है। हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन है आप ऑयल मसाज नहीं करते हो, ऑयल की मसाज नहीं करते हो, ऑयल की चंपी नहीं करते हो। हमारे जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज्यादा रूखा सूखा सा हो जाता है। जब आप उसको प्रोटीन नहीं दोगे तो वो स्कैल्प में एक व्हाइट व्हाइट सेल से होते हैं। जब भी आप थोड़ा सा फिंगर लगाओगे तो व्हाइट सेल्स से दिखेंगे वो, उसे व्हाइट सेल्स भी बोल सकते हो, डैंड्रफ भी बोल सकते हो, ठीक है, हेयर फॉल भी बोल सकते हो। हमारे जब हेयर फॉल होते हैं तो वो सबसे ज्यादा हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, हमारे हेयर के रूट्स को कमजोर करते हैं। तो हमारे हेयर की ग्रोथ होगी कहाँ से? आपको हेयर फॉल को ही रोकना है। आपको वीक में एक बार ऑयल मसाज जरूर करना है, पूरे हेयर के लेंथ तक आपको ऑयल की एप्लीकेशन करना है। हो सके तो आप अपने हेयर ऑयल में आप विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कोई ऑयल लो जिसमें कुछ मिक्स करने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर आप कोई ऐसा ऑयल लो जिसमें ऑनियन मिक्स हो। जैसे अभी मम्मा अर्थ के ऑनियन ऑयल आ रहे हैं, और ऑनियन के ऑयल अगर आप परचेस करना नहीं चाहते, बाय करना नहीं चाहते, तो आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं। ऑनियन ऑयल बहुत ही ज्यादा हमारे हेयर के लिए हेल्पफुल है। ऑनियन का ऑयल आप बना सकते हैं कुछ कुछ मिक्स करके। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पे कैसे बनाना है ऑनियन ऑयल, तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ओके, यहाँ पे मैंने जो बताया है आपको हेयर ऑयल एप्लीकेशन के बारे में, तो उससे क्या करना है, आपको ऑयल अप्लाई करके, ऑयल के एप्लीकेशन करके आपको छोड़ना नहीं है। आपको 5 से 7 मिनट तक चंपी करनी है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको ऑयल की एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपको अच्छे से चंपी भी करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है हेयर के लिए, हेयर केयर के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट है हेयर केयर डाइट। बहुत से लोगों ने यही बताया कि अपने हेयर में कभी आप ये अप्लाई कर लो, अपने हेयर में कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पर डाइट बहुत कम लोगों ने बताया है। इसके लिए आप ऐसी क्या चीजें लो डाइट में, अपने क्या ऐड करो कि आपके हेयर की शाइन बनी रहे, हेयर की ग्रोथ हो, छोटे से लंबे हो जाए, हेयर एक हैवीनेस में आ जाए और हेयर फॉल भी ना हो। ऐसी कुछ चीजें हम खाने में ऐड करेंगे तो हमारे हेयर फॉल, हेयर डैमेज कभी भी नहीं होंगे, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो जानते हैं इस वीडियो में कि हम हेयर केयर डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। तो गाइस, कई बार हमारे हेयर प्रॉब्लम होने लग जाती है तो इसका रीजन हमारा लाइफस्टाइल भी हो सकता है। कई बार हम कहीं जाते हैं और कहीं दूर जाते हैं और वहां पे टाइम नहीं लगता तो हम अपने हेयर केयर कर ही नहीं पाते हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारे हेयर झड़ने लग जाते हैं या फिर हेयर प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, तो अपने जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो जैसा भी है, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो चलता है, 1-2 दिन का बाद भी, 1 वीक की बात चलती है। लेकिन अगर ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, लॉन्ग टाइम हो जाता है, आप अपने हेयर की केयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके हेयर प्रॉब्लम होना ही है। ओके, तो अब बात करती हूँ मैं कि अपने हेयर केयर डाइट में हम क्या ले सकते हैं। हेयर केयर डाइट में हमारा फर्स्ट नंबर जो आता है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों से बोला है कि विटामिन सी आप खाने में जरूर लें। विटामिन सी की कमी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमारे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमारे स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही है, और इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो विटामिन सी आपको लेना जरूर है। तो गाइस, विटामिन सी लेने से हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है, हमारे हेयर को शाइनी एंड स्मूथ बनाए रखता है। विटामिन सी में एक फैटी एसिड पाई जाती है जो हमारे हेयर को शाइनी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपको विटामिन सी लेना है फर्स्ट नंबर में। तो सेकंड नंबर में आपको विटामिन सी के कुछ फूड्स लेने हैं जो आपको डेली लेने हैं, अपने डाइट में डेली शामिल करने हैं। जैसे मैंने बहुत बार बोला है विटामिन सी आपको खाना है, विटामिन सी में कुछ भी लेना है आपको, जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं विटामिन सी में, जैसे आप अनार खा सकते हो, संतरे खा सकते हो, मशरूम खा सकते हो, इस तरह के विटामिन सी के फूड्स आप कुछ डेली लें। और ये रूटीन आपको बना के रखना है, जिन लोगों के हेयर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको कुछ डाइट्स ऐसे भी लेने हैं। इसके साथ ही आपको विटामिन
विटामिन ई भी लेना है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया होगा कि विटामिन ई बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। अगर आप विटामिन ई लेते हो तो विटामिन ई में मॉइस्चराइजर होती है, मॉइस्चर होती है, हमारे रूखे सूखे हेयर को डैमेज होने से बचाती है, हमारे हेयर में एक मॉइस्चर वो प्रोवाइड करती है जिससे हमारे हेयर टूटने से बचते हैं। एंड साथ ही आपको विटामिन ई हमारे नाखूनों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड हमारे स्किन को भी शाइनी बनाती है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको लेनी है, आपको हेयर केयर भी करने हैं, हेयर केयर के डाइट भी फॉलो करनी है, आपको कुछ डाइट्स भी लेने हैं एंड विटामिन सी और विटामिन ई भी लेने हैं, वो आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हमें डेली का डेली हमें कुछ ना कुछ खाना होता है, उसी तरह हमें रूटीन बनानी होती है अपने हर चीज के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, और बहुत सारी चीजें होती है जिसकी रूटीन हमें बनानी होती है। रूटीन बनाने के बाद हमें उसमें फॉलो भी करना होता है उसे। अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, हम एक रूटीन नहीं बनाएंगे और आप लापरवाही करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स होने ही होने हैं। गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर जरा सा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस करके जाना। एंड आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।